एक्सीडेंट हो गया, नहीं नहीं एम्बुलेंस आ रही है। वो यहाँ का ड्राइवर कहाँ है? वहाँ पे नजर रखो, चालू का काली ने उसकाई उससे बहुत 10 मिनट बोली तो है हमने। अरे चाबी लेनी था नहीं ली, एक बार ऐसा ना गाड़ी नंबर रोड दे दिया। बनास पुल पर एक हादसा हो गया है, दो जीपों के बीच में टक्कर हुई है। आप देख सकते हैं ये जीप जो क्षतिग्रस्त हुई है। ये बनास पुल का हम आपको दिखा रहे हैं और इनको रोड में तो दो गाड़ियों में यहाँ भिड़ंत हुई है, एक जीप है दूसरी एक कार है। ये बनास पुल का हम आपको सीन दिखा रहे हैं। यहाँ से जो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बनास पुल की है। ये दूसरी गाड़ी है। जी एक मिनट की जैसा हुआ है थोड़ा सा बताओ ना। ये गाड़ी पूछो पूछो गलती किसकी है बताओ। सपोज इस पर जाने बाकी तुम्हारी सुनने कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नहीं करता, गलती हो जा रहा है। बहुत देर हो गया, हाल तो ना तो एम्बुलेंस आ रही ना पुलिस की गाड़ी आ रही। मेरा अपना पूरा पता नहीं है पूरा, फिर भी कितनी देर हो गया। ये 15-20 मिनट हो गया, बहुत देर हो गई, आधे घंटे हो गया। ना तो पुलिस की गाड़ी आ रही, 160 नंबर पर फोन कर दिया, बहुत देर हो गई, बहुत लंबी लंबी प्रोसेस पूछ रहे, जगह बता दी, लेकिन ना तो 160 एम्बुलेंस की आ रही और ना पुलिस वाली गाड़ी आ रही। लगभग कितने लोग यहाँ जख्मी हुए या कोई मरने की भी सूचना है? कम से कम 6-7 जने हैं और इस गाड़ी में भी है 2 जने, तो लगभग तीन ज़्यादा सीरियस है। एक तो गई किसी की ज़्यादा सीरियस है और इनकी आपस में टक्कर हुई है। क्या कहते हैं गाड़ी की जो पलटी मारी है, गाड़ी पलटी मार की गाड़ी, वो पलट गई गाड़ी। हमने हम लोगों ने उठाई है, 8-10 लोगों ने हम लोगों ने उठाई है उस गाड़ी को, हम लोगों ने सीधा किया गाड़ी। वो तो समीर दबी पड़ी थी बेचारी, सब कुछ किया, एम्बुलेंस में भेज भी दिया, एक पुलिस गाड़ी रोक के जिप्सी रोक के मैंने रिक्वेस्ट करके उसमें भेज दिया। तहसीलदार की गाड़ी है, तहसीलदार ने बेचारे ने बैठा भी लिया, मना नहीं किया और एम्बुलेंस भी आ रही है, एम्बुलेंस भी आ रही है, कॉल कर दी है हमने। तो जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ के लोगों ने अभी बताया है कि एम्बुलेंस को सूचना कर दी है। 15-20 मिनट हो गए हैं इस हादसे को होते हैं, 15-20 मिनट और ये आप यहाँ देख रहे हैं, एक जो गाड़ी जो टकराई है उसके ये कई चीजें टूटी भी हुई है। चलो भाई आप रिपोर्ट में थोड़ा, मैं तो लंबा बोल रहा, हिम्मत दो यार बेचारों को, देखो हिम्मत दो यार, थोड़ी सी कैलाश जनादेश जनादेश में जी अरे भाई थोड़ा हिम्मत दो यार, हिम्मत दो यार, हमारे तो थोड़ा है अभी, हमें लंबा पहुंचना है। जी 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 लिया मारे, ठीक है सर, जाते हैं। चलो 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 भाई हमारे खाओ। जैसा कि लोग बता रहे हैं यहाँ के जो कई बसें वगैरह भी रुक रही है और 6-7 लोग को यहाँ पर चोट आई है। ये गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मत घबराओ तू, मत घबराओ तू, क्या 5 मिनट में आ जाएगी पांच ये वो जीप है, ये पलटी खा गई थी
जैसा कि स्थानीय निवासियों ने बताया है पलटी खा गई थी ये और भिड़ंत काफ़ी तेज थी दोनों गाड़ियों के बीच में। ये ऑयल वगैरह गाड़ी का आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस गाड़ी में बैठी थी सवारियाँ 6-7 सवारी है, जिसमें से 2-3 गंभीर हैं, एक दो लोगों को पहुँचा भी दिया है निजी वाहनों से। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पर वाहनों की एक लंबी कतार बढ़ती जा रही है। जाम बढ़ता जा रहा है, पुलिस प्रशासन को सूचना कर दी गई है और अब देखने वाली बात यह है कि एम्बुलेंस और पुलिस प्रशासन यहाँ कितनी देर में पहुँचता है। ये वो लोग हैं जिनके चोट आई है, क्या बताओ तो कैसे हुई थी ये भिड़ंत? ये तेजी में वो गाड़ी आ रही थी, हमारी गाड़ी दब रही थी साइड में, हम देखभाल से काम करने काम करके आ रहे थे, जो गाड़ी जो दबा के ले रहा था इधर कहाँ इधर कहाँ जा रहे थे आप? बोली जा रहे थे सर, बोली जा रहे थे घर जा रहा काम ये सारे मजदूर किस्म के लोग हैं जो कुछ तरह से आ रहे थे और बोली जा रहे थे और यहाँ पे जबरदस्त टक्कर हुई। एम्बुलेंस को सूचना कर दी गई है, अभी थाना में फोन कर दो ना। जैसे वो बता रहे हैं कि एक ये लोग बता रहे हैं कि एक महिला का तो पैर भी फ्रैक्चर हो गया, उसको पैर पर लगी हो गया, एक पैर लगी हो गया ऐसी बोल रही है। वो पैर अलग हो गया बताया, वो तो ले गई हॉस्पिटल पहुंचा दिया उसको। बगल में लिया रहे सामी दी टक्कर बगल में मारुति ने बगल में ही तो दी सामे सुध आतो तो दी तो मैं तो बोल रही था काम कर बजा रोड को दे आप मुसलमान नहीं है कोई हमारा नाम गाई बनाई ना आप सब बोलेंगे साइन हो सब आदमी तो साइन का कर रही है आप तो लगी मैं बीच माजी से बच गया इनको पर तो पूरी गाड़ी आ गई काम कर गाड़ी काम करा रही है अरे एक बार और करा ना एम्बुलेंस को फोन करो ना और कर दो यार। ये साल भर पहले भी यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था बनास पुलिया के ऊपर ही और ये दूसरा एक फिर एक हादसा है ये भी पुलिया के ऊपर ही है और जैसा यहाँ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि ये जो जीप आप देख रहे हैं ये पूरी तरह पलटी खा चुकी थी। ये जो जीप है ये पूरी तरह पलटी खा चुकी थी, इसको फिर दोबारा इसका पूरा ऑयल वगैरह निकल चुका है और
सात आठ लोगों को यहाँ चोट आई है और वाहनों की यहाँ लंबी कतार भी लग रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ वाहनों की ये पूरी तरह से ये जीव क्षतिग्रस्त तो हो चुकी है। यहाँ तक के इसका बैलेंस भी पूरी तरह बिगड़ चुका है। एक तरफ से ये काफ़ी झुकी हुई है और दूसरी तरफ से उठी हुई है, यानी लगता है कि लेंथ जो थी वो काफ़ी तेज हुई है। आप लोग जो भी जहां से भी लाइव देख रहा है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनके घर वालों तक इनको सूचना मिल सके। बोली 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 के मजदूर बोली के मजदूर ये बोली के मजदूर है कुश्तला साइड से। ये एम्बुलेंस भी आ रही है, सूचना कर दी गई है, करीब ही है एम्बुलेंस का। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एम्बुलेंस का सायरन की आवाज़ आ रही है, वो भी आ चुकी है। दो तीन घायलों को यहां से पहुंचा दिया गया है जिनकी हालत ज़्यादा नाजुक थी निजी वाहनों से। और ये आप देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस आ गई है और इस एम्बुलेंस में इन लोगों को पहुंचाया जाएगा। ये बनास पे दूसरा बहुत भीषण हादसा है, आए दिन यहाँ पर हादसे होने की सूचना मिलती रहती है। जिनका हादसा हुआ है उनको एम्बुलेंस में बिठा रहे हैं और अभी अन्य जिला अस्पताल में पहुँचा जाए। हालत इनकी काफ़ी नाजुक है। बैठ अरे बंद करो गेट, बंद कर लो भाई, जो भी बैठ जाओ, अरे जो कर लो जो जो बैठ जाओ, जावे भी जावे जावे भाई, जो के भी लगी हो जो बैठ जाओ भाइयो। पैर फ्रैक्चर हो गया, अलग अलग हो गया। जो एम्बुलेंस को यहाँ से अब रवाना की जा रही है सभी को। सभी घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा भेज दिया गया है, जिला अस्पताल भेजा जा रहा है सभी को।
दूसरी जीप थी उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। ये कई कांच के टुकड़े वगैरह जो गाड़ी पलटी खाई थी, यहाँ पे गाड़ी ने जो पलटा खाया था ये घिसटती हुई भी गई है और ये टुकड़े हैं। ये दूसरी कार है जिनके दोनों के बीच में भिड़ंत हुई थी। ये इस गाड़ी का भी, ये भी एक तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है पूरी, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए आप, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है भी पूरी। बैठ जाओ, क्या काम है, सब करने के लिए कोई भी खाई गुद्दा सबरी गार्डन का नंबर है, थानो आ रही हो अपना गार्डन पट लो, करो फालतू ना तक छोड़ो। मेरे साहब लागे गाड़ी ने और जा रही थी, फिर उल्टी से लगा ना उनकी आप गाड़ी करो तुम्हारी, हमें इसको कोई नहीं, वो पैसे देगा वो गाड़ी पलटा नहीं, सामान सुपर जाओ जल्दी को साफ कर ले जाओ दारी। भाई गाड़ी घोड़ा है, कोई कौन सा गाड़ी का नंबर ले ले, काई भी ले ले, एक्सीडेंट होता है कोई दिक्कत नहीं, नहीं गलती गलती के तो मार के गाड़ी का मंगरा जी आ जा भाई, ओ मंगरा जी, अरे ला ला आ जाओ आ जाओ, ओ मंगरा जी एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ये आपको फिर मैं एक बार से बता दूं कि ये बनास पुल पे हादसा हुआ है, दो गाड़ियां आपस में टकराई है और अभी एम्बुलेंस को सूचना कर दी गई थी, सूचना पर एम्बुलेंस आ गई, सभी घायलों को 7-8 लोग इसमें हताहत हुए हैं, एक महिला का पैर भी इसमें अलग हो चुका था इस हादसे में। और आपको मैं फिर से एक बार इसकी तस्वीरें दिखा दूं, ये जीप और आए थे थोड़े भाई, ये सामान तो निकालो, ये चाय भी खा लो, चाय भी तो मिल गई, आपको मैं एक बार फिर बता दूं, ये लोग मजदूर किस्म के लोग थे, बोली के ये रहने वाले थे सभी, और कुछ तरह में इनका कोई काम चल रहा था तो कुछ तरह से आ रहे थे, ये सभी बोली जा रहे थे और ये बनास के ऊपर ये हादसा हुआ है। अल्टो उधर से आ रही थी सर, अल्टो भी गाड़ी उधर से आ रही थी ना, अल्टो उधर लाल शॉट, सुनो आप बोर्ड जा रहे थे और वो गाड़ी उधर से आ रही थी, वो गाड़ी उधर से ये
यहाँ पे ड्राइवर कौन है? ड्राइवर फोटो खींच लिया। कितने आदमी थे इसमें? 5-6 आदमी थे। जेसीबी क्या पता सर साइड में करवाने को लोअर बन जाएगा इससे। साइड में जाओ तुम, साइड में राइट में जाओ, साइड में राइट में जाओ। लोगों को समझाते हैं मत निकालो बाहर, पर मानते नहीं है। गाड़ी कहाँ की है? जेसीबी के लिए कहता हूँ, घर से जेसीबी सीधी करवा देते हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है एम्बुलेंस के जरिए, और अब लगभग जितने भी यहां जो वाहनों की कतार थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी है यातायात सुचारू रूप से। ये बनास सवाई माधोपुर के बनास पर यह हादसा हुआ है। साल भर पहले भी यहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, और ये भी एक बड़े हादसों में से एक हादसा है। हालांकि मौत किसी को नहीं आई यहाँ पर, किसी की दुर्घटना में मौत नहीं हुई, घायल हुए हैं। इस जीप में 10-12 लोग थे जिसमें से 6-7 लोग घायल हो गए। एक दो लोगों को पैर भी फ्रैक्चर हो चुके हैं इसमें। सभी को एम्बुलेंस के ज़रिए पहुंचा दिया गया है। आगे भी किसी और खबर के साथ। तो बने रहें आप हमारे साथ, आगे भी मिलते रहेंगे किसी और खबर के साथ।